दोस्तों जब भी हम टायर मेंटेनेंस की बात करते हैं तीन चीज़ें हमेशा आती है, एक है व्हील अलाइनमेंट, एक है व्हील बैलेंसिंग और एक है टायर रोटेशन। ऐसा 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 घूम रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंदाराना। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हील बैलेंसिंग फॉर कार्स। दोस्तों अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। हम लोग काफ़ी कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड, सुपर बाइक रिलेटेड स्टोरी अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हील बैलेंसिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, व्हील बैलेंसिंग किस लिए किया जाता है और कैसे आपको समझेगा कि आपके गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग करने की जरूरत है। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एक अच्छा बोनस पॉइंट दूंगा, सो पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों व्हील बैलेंसिंग क्या होता है? व्हील बैलेंसिंग आपका जो पूरा टायर का जो सरकमफेरेंस है उसका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो इक्वली बैलेंस होना चाहिए। तो नया टायर रहने दो, नया रिम रहने दो या नया अलॉयज रहने दो, कहीं ना कहीं दोस्तों 5-10 ग्राम का डिफरेंस होता ही है। वो डिफरेंस को निकालने के लिए ही व्हील बैलेंस किया जाता है। दोस्तों आप अगर नई गाड़ी भी लेते हो तो उसमें भी व्हील आपके बैलेंस होके ही आते हैं। नया टायर रहने दो या नया रिम रहने दो, व्हील बैलेंसिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका व्हील इंबैलेंस रहेगा तो आप जब भी कार चलाते हो आपका स्टीयरिंग में वॉबलिंग्स आएगा, वो क्यों आता है ये देखेंगे। अगर आपका टायर दोस्तों इंबैलेंस है तो जहां पे भी इंबैलेंस है, जहां पे वेट हेवी है वहां पे वो जब फोर्स में घूमता है टायर वहां पे वो वॉबलिंग करना चालू करता है और आपका जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो खराब करेगा और बहुत से टाइम पे आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा और काफ़ी सस्पेंशन के पार्ट्स भी वो डैमेज कर सकता है। सो आपको अभी आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्टेयरिंग अगर वॉबल हो रहा है तो आपने तुरंत ही जाके व्हील बैलेंसिंग कर लेना चाहिए। जब भी आप व्हील बैलेंसिंग करने जाते हो दो तीन चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जरूरी होता है। एक जो पहले चीज़ कि आपकी टायर की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर टायर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी वॉबलिंग आएंगे और आपकी रिम की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रिम की कंडीशन भी अच्छी नहीं तो भी आपका स्टेयरिंग वॉबल करेगा। दोस्तों यूजुअली जब कार का व्हील बैलेंसिंग होता है वो कंप्यूटराइज मशीन पे ही होता है और टू व्हीलर का जो व्हील बैलेंसिंग होता है वो मैन्युअली होता है। आपने हमारा टू व्हीलर व्हील बैलेंसिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके उसे भी देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है आपके टायर अच्छे है या बुरे है, मैंने एक वेन टू चेंज टायर का एक वीडियो बनाया है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे जाके रेफर कर सकते हो। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। अलाइनमेंट में कार के साथ में व्हील को अलाइन किया जाता है और व्हील बैलेंसिंग में इंडिविजुअल व्हील को व्हील बैलेंसर पे माउंट करके बैलेंस किया जाता है। सो देखते हैं कैसा व्हील बैलेंसिंग होता है, चलो आपको दिखाता हूँ। टायर को व्हील बैलेंसर पे माउंट करने के पहले हमें टायर को खोलना होगा। ये टायर को निकाल दिया है यहाँ पे, अभी इसको इसका जो कैप है इसको निकालेंगे। कैप निकालने के बाद में अब ये व्हील बैलेंसर पे इसको माउंट करते हैं। इसको थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी गैप होना नहीं चाहिए, प्ले होना नहीं चाहिए। पहले हम लोग चेक करेंगे इसका डिस्टेंस कितना है, अभी हम लोग चेक करेंगे इसका विड्थ कितना है। ये स्केल है, देखो यहाँ पे 7 इंच का विड्थ आ रहा है इसका और ये 7 इंच, सो हमको मशीन में भी सिलेक्ट करना पड़ेगा 7 इंच। अभी रिम साइज़ दोस्तों इस टायर की कितनी है, तो इस टायर का जो रिम साइज़ है वो 16 इंच है, तो उसका 16 इंच का हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अलॉय व्हील के 2-3 टाइप के अलॉय व्हील होते हैं, हम लोग एक साइड में वेट को लगाने वाले हैं, हम लोग एक साइड वेट को लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एक ही साइड का वेट, पहले वेट को निकाल दिया गया है। अभी उसको बैलेंसर पे, बैलेंसर को स्टार्ट किया है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं 15 ग्राम वेट मांग रहा है, सो ब्रेक मार के इसको रुका दिया है। अभी हम लोग वेट लगाने के लिए दोस्तों ये जो मशीन है उसके अपोजिट साइड में वेट लगता है उसका, जहाँ पे वेट लगाने वाले वो एरिया को पहले अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे वेट लगाएंगे। 2-3 टाइप के वेट है दोस्तों, ये देखो एक क्लिप वेट लगते हैं, अलॉय व्हील्स के वेट होते हैं, सादे रिम्स के लिए अलग वेट होते हैं और स्टिकर वेट्स भी होते हैं जो हम इस गाड़ी में लगाने वाले हैं, स्टिकर वेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये हैमर, ये अलग किस्म के हैमर है, वेट्स को निकालने के लिए वगैरह यूज़ होता है इसको और वेट को टाइट करने के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पर वेट लगा दिया है, अभी हमने वेट को अच्छे से टाइट कर देते हैं। दोस्तों चेक करते हैं, देखो यहाँ पर 0 ग्राम वेट लगा है, बैलेंसिंग हो चुका है। टायर को अभी हम लोग निकाल देंगे और टायर को फिट कर देंगे, इसका कैप जैसा था वैसा लगा देंगे। ये दोस्तों नॉर्मल रिम है, हमने पहले जो देखा था वो अलॉय व्हील था, ये नॉर्मल रिम का जो प्रोसेस है वो अलग होता है, वहाँ पे दोनों साइड वेट लगता है, अलॉय व्हील में एक ही साइड वेट लगता है। अभी यहाँ पे मांग रहा है 0 ग्राम और यहाँ मांग रहा है 10 ग्राम, सो एक ही साइड में वेट लगेगा। यहाँ पे हम लोग 10 ग्राम का वेट यहाँ पे क्लिप वेट लगाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल रिम है इसलिए, सो यहाँ पे इसको क्लिप लगा देते हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम का जो क्लिप है उसको हम लोग फिट कर रहे हैं। अभी चेक करते हैं दोस्तों कि बैलेंसिंग बराबर हुआ है या नहीं। वेट डालने के बाद में देखो ये यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, दोनों जगह 0-0 बता रहा है, तो ये जो नॉर्मल रिम है वो भी हो चुका है बैलेंस्ड।
दोस्तों अभी आपको क्वेश्चन होगा कि कब कब व्हील बैलेंसिंग करना चाहिए। जब भी आप टायर चेंज करते हो उसके साथ ही व्हील बैलेंस करना ज़रूरी होता है, और जब भी आप टायर रोटेशन करते हो तब भी व्हील बैलेंसिंग करिए, और आप जब भी अलाइनमेंट के लिए जाते हो उसके साथ साथ में व्हील का बैलेंस भी कर लीजिए, जिससे आपको ड्राइविंग कम्फर्ट हमेशा मिलेगा। जब भी हाई स्पीड पे गाड़ी 70-80 के स्पीड के ऊपर अगर आपके टायर का वॉबलिंग आ रहा है, आपको स्टेयरिंग पे वॉबलिंग फील हो रहा है, तभी आपको व्हील बैलेंसिंग तुरंत जाके कर लेना चाहिए। तो काफी टाइम जो वॉबलिंग आती है वो रिम डैमेज के वजह से भी आती है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो ये जो रिम है ये थोड़ा आउट है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा आउट है। जब जैसे ही देखो रिम को मैंने बैलेंसर के ऊपर माउंट किया है, आप देख सकते हो देखो ये जो है ये ऐसा 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 घूम रहा है। दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन है आपके रिम का तो भी आपका टायर वॉबल करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये वेट मांग रहा है। तो दोस्तों बोनस पॉइंट की बात करते हैं। अभी बोनस पॉइंट ये है कि आप जब भी टायर इंस्टॉलेशन के लिए जाते हो एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो येलो डॉट आपको दिख रहा है ये येलो डॉट वॉल के अपोजिट में माउंट होना चाहिए। फोर व्हीलर टायर्स में दोस्तों येलो डॉट हमेशा दिया रहता है। जब भी कंपनियाँ टायर को बनाती है वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पर मार्किंग करती है कि ये सबसे लाइट पार्ट है, ये सबसे सॉफ्ट पार्ट है, जहाँ पर वेट कम है टायर में। और दोस्तों अलॉयज के अंदर जब जहाँ पर भी वॉल लगा होता है वो सबसे हेवी पार्ट होता है, क्योंकि वॉल का वेट भी वहाँ पे होता है। येलो डॉट दोस्तों आप वॉल के सामने रखते हो तो कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग आप करने जाओगे उसके अंदर वेट आपको कम लगेगा। अगर आपको रोड को सेफ रखना है तो व्हील बैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वॉबलिंग जा रहा है तो आपका ड्राइविंग प्लेजर नहीं है, या कहीं ना कहीं कंट्रोल आपका कार पे नहीं होगा और काफी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। सो एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए और रोड सेफ करने के लिए आप टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे व्हील बैलेंसिंग करते रहिए। सो उससे रोड भी सेफ रहेगा और आपकी गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। दोस्तों हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पे काम कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए। सो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही आएगा। राइडर प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।